हाजिरा और उसका पुत्र। अब्राहम की पत्नी सारे की कोई संतान ना थी, उसके हाजिरा नाम की एक मिश्री दासी थी। सारे ने अब्राहम से कहा, देख परमेश्वर ने तो मेरी को बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। तब उसकी स्त्री सारे ने अपनी मिश्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। वह गर्भवती हुई। तब हाजिरा अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। तब सारे ने अब्राहम से कहा, मैंने अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है तब वह मुझे तुच्छ समझने लगी। अब्राहम ने सारा से कहा, देख तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसे ही उसके साथ कर। तब सारे उसको दुख देने लगी। हाजिरा सारे के सामने से भाग गई। तब परमेश्वर के दूत ने उससे पूछा, तू कहां से आती है और कहां को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूँ। दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा, उसके वश में रह, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत तक के कारण उसकी गणना ना होगी सकेगी। तू पुत्र जनेगी, उसका नाम इस्माइल रखना। हाजिरा को अब्राहम के द्वारा एक पुत्र हुआ और अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम, जिसे हाजिरा ने जन्म दिया था, इस्माइल रखा। अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, इस्माइल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है, मैं उसको भी आशीष दूंगा और उसे फलवंत करूंगा और अत्यंत ही बड़ा दूंगा, उससे 12 प्रधान उत्पन्न होंगे और उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। प्रियो, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, उसके बताए मार्ग पर चलते हैं, तो वह अब्राहम की तरह ही हमें तथा हमारे वंश को भी अपनी आशीष देता है।